हेलो एवरीवन, आज मैंने विजिट किया अल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ की स्टेयरकेस। मतलब इतनी सुंदर स्टेयरकेस आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी। तो सबसे पहले म्यूजियम की एंट्री कुछ इस तरीके की है और स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लंदन का विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, जिसे वी एंड ए म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो अप्लाइड आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट और डिजाइन के लिए फेमस है। इसके अलावा इस म्यूजियम की एंट्री पर ही आपको मिलेगा सबसे सुंदर कैफे जहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। ये साउथ केंसिंगटन लंदन में है। इस म्यूजियम में 2 मिलियन से ज्यादा चीजें मौजूद है। ये ईयर 1852 में एस्टैब्लिश हुआ था और पहले इसे साउथ केंसिंगटन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्वीन विक्टोरिया और किंग एल्बर्ट के नाम पर विक्टोरिया एंड एल्बर्ट रख दिया गया। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर एंट्री फ्री है। विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम 12 एकड़ के बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसमें 140 से ज्यादा गैलरीज मौजूद हैं। इस म्यूजियम में लगभग 5000 सालों की आर्ट को संभाल कर रखा हुआ है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कल्चर की एंशियंट आर्ट से लेकर आज के जमाने तक के आर्ट को इस म्यूजियम में संजो कर रखा हुआ है। इन आर्टिफैक्ट्स में चीनी मिट्टी, चांदी, कांच, लोहे से बनी चीजें, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, स्कल्पचर, पिक्चर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ की चीजें भारत की हिस्ट्री को भी दर्शाती है। इस म्यूजियम में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपको एकदम चैम्बर का फील देते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल चीजें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो आपको ये म्यूजियम काफी पसंद आएगा। चलिए जानते हैं इस म्यूजियम से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। ये आर्ट और डिजाइन के मामले में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन साइट माना जाता है, क्योंकि इसमें 2 मिलियन से ज्यादा आर्ट और कल्चर आर्टिफैक्ट्स मौजूद है। इसमें कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आर्ट्स, हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट क्लास और क्लोथिंग। इसका मेन हॉल मुगल आर्ट क्लास है, जिसे सर एस्टन वेब ने 1909 में बनवाया था। डिजाइन और टेक्नोलॉजी के एरिया में ये आज के जमाने को दिखाता है। ये लंदन की कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हिस्टोरिकल और कल्चरल वेल्थ के लिए इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें दुनिया भर में मौजूद अलग अलग आर्ट और डिजाइन के आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, जैसे अलग अलग ड्राइंग और स्कल्पचर। कपड़ों की बात करें तो यहाँ कई अनमोल कपड़े मौजूद हैं, जैसे कि पुराने जमाने के कपड़े, महिलाओं के कपड़े, साथ ही कुछ और कल्चरल क्लोथ्स यहाँ मौजूद हैं जो पुराने कल्चर को दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखने लायक काफी सारी चीजें हैं। न्यू एंट्री गेट से एंट्री करने पर राइट साइड की तरफ का पहला डिस्प्ले साउथ एशिया है। तुरंत आपका स्वागत बड़ी बड़ी मूर्तियों से किया जाता है, खासकर टीपू का बांध। गैलरी में वे चीजें मौजूद है जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ साथ साउथ हिमालय के इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाती है। साउथ एशिया के पूरे डिस्प्ले में सबसे अलग चांदी के बर्तन हैं, जो कांच की अलमारियों में बहुत शानदार दिखते हैं। साथ ही बढ़िया ज्वेलरी भी है। इसके अलावा पेंटिंग जो साउथ एशिया के कल्चर और ब्रिटेन के साथ रिलेशन के अलावा हिस्ट्री को बताती है। ज्वेलरी सेक्शन में आपको काफी सारे प्रीशियस स्टोन्स, क्राउन और काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसके बाद आप नेक्स्ट गैलरी में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई ना कोई थिएटर प्ले देखने को मिलेगा और वहाँ पर काफ़ी सारे चेयर्स भी है, तो आप वहाँ पर कोई थिएटर प्ले देख सकते हैं।
इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लाइब्रेरी मिलेंगी जहां पर आपको बुक्स मिल सकती है और राइट हैंड साइड पर आपको हिस्ट्री से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहां पर काफ़ी सारे पुराने पेंटिंग्स, नए ज़माने के पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। इस साइड आपको लाइब्रेरी की काफ़ी सारी फेमस बुक यहाँ पर डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएंगी और आगे आपको काफ़ी सारे आर्ट्स पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप पेंटिंग कलर्स लाकर इसकी कॉपी करके अपनी पेंटिंग बना सकते हैं अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो। कोहिनूर डायमंड अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम में कोहिनूर का एक छोटा सा नमूना भी मौजूद है। ये एक प्रसिद्ध अनमोल हीरा है जो कि भारत की हिस्टोरिकल हेरिटेज का हिस्सा है। वीनस दी मेलो ये प्राचीन ग्रीक की एक फेमस मूर्ति है। इस मूर्ति को किसी अनजान आर्किटेक्ट ने बनाया था। जापान की गैलरी में जापान की इंटरेस्टिंग चीजें शामिल है। अलग अलग तरीके के मोबाइल, कंप्यूटर और रेडियो के अलावा अलग अलग तरीके के कपड़े भी मौजूद है। एंड फाइनली जो म्यूजियम का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये है यहाँ की स्टेयर्स। मतलब आप यहाँ पर आधा एक घंटा बैठ सकते हैं, इतनी सुंदर स्टेयर्स है। और ये एंट्री तो आपको बिल्कुल एक महाराजा वाली फील देती है। टीपूस टाइगर या टीपू का बाग ये भी अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम में मौजूद है जो कि काफी फेमस है। ये टीपू सुल्तान के शासनकाल से जुड़ा हुआ जिसमें एक शेर को एक ब्रिटिश सैनिक पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इसका अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस है जो टीपू सुल्तान के समय की हिस्ट्री और उनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। इसलिए टीपू टाइगर अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम का एक खास अट्रैक्शन है। चीन की हर गैलरी में चाय के लिए शानदार बर्तन मौजूद है। यहाँ पढ़ने के लिए हान, मिंग, किंग और थांग के अलावा कई सारे पुराने जमाने के कपड़े मौजूद हैं। हालांकि जो चीजें सबसे अलग हैं वह मूर्तियां हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगती है और ऐसा लगता है वह किसी भी पल आपको झपट सकती है। इनफैक्ट इस म्यूजियम के अंदर भी एक विशिंग वेल है जहां पर लोग विश मांगकर कॉइन डालते हैं। आपको इस म्यूजियम के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने पहले यहाँ पर विजिट किया है तो सबसे अच्छी चीज आपको इस म्यूजियम की क्या लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।